मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने आज इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश की टीम 28 सालों बाद आज रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीतने में सफल हुई है। मध्य प्रदेश की टीम ने 41 बार की रणजी ट्रॉफी चैंपियन मुंबई को बुरी तरह से हराया है। एमपी की टीम इससे पहले 23 साल पहले 1999 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उस वक्त टीम को कर्नाटक से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया है। आपको बता दें कि इस जीत में भोपाल के खिलाड़ियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आदित्य श्रीवास्तव की कप्तानी में मध्य प्रदेश की टीम ये कारनामा करने में सफल हुई है। टीम की जीत पर आदित्य श्रीवास्तव के पिता राकेश श्रीवास्तव ने भी खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस जीत में न सिर्फ मेरे बेटे का बल्कि पूरी टीम का अहम योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि वो जरूर कप्तान है, मगर जीत तो टीम की होती है। कप्तान आदित्य श्रीवास्तव के पिता ने आगे कहा कि वो जब 8 साल का था तब से ही उसे क्रिकेट अकादमी भेजना शुरू किया। आदित्य को कई बार सरकारी नौकरी ऑफर हुई, मगर उसने नहीं की। उन्होंने कहा कि उसका फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है। मध्य प्रदेश की जीत पर स्टार खिलाड़ी यश दुबे ने भी अहम भूमिका निभाई है। यश ने इस अहम मुकाबले में शतक जड़कर टीम की जीत सुनिश्चित की। यश भोपाल के रहने वाले हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश की टीम विजेता बनी, लोग बधाई देने यश के घर पर पहुंच गए। लोगों ने यश के माता पिता को मिठाई खिलाकर बधाई दी। यश के माता पिता ने कहा कि प्लास्टिक के बैट से क्रिकेट खेलता था, आज एमपी का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हमारे बेटे और पूरी टीम पर गर्व है। हमें उम्मीद है वो आने वाले समय में भारत के लिए टेस्ट टीम में जरूर जगह बनाएगा। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसा समय था जब लोग सिर्फ मुंबई या दिल्ली के खिलाड़ियों के ही नाम जानते थे, एमपी से किसी खिलाड़ी का नाम जुबान पर नहीं आता था। मगर आज वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों का नाम पूरा देश जानता है। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर और आवेश खान दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए खास बात यह है कि साल 1999 में टीम चंद्रकांत पंडित की ही कप्तानी में पहली बार रणजी के फाइनल में पहुंची थी। चंद्रकांत पंडित ही एमपी की टीम के कोच हैं। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम ने मैच से पहले टीम को बधाई भी दी थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कोच चंद्रकांत समेत सभी लोगों से बात कर शुभकामनाएं दी थी।